आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोजगार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद और हम आज है मैजिस्ट्रिक कंप्यूटर एजुकेशन में और हमारे साथ में मोहम्मद अंसारी रियाजुर रहमान साहब मौजूद है और हमने उन्हें बारहा इनवाइट करके बुलाया है। बहुत ही उन्हें कम वक्त मिलता है तो हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाई है ताकि जो नौजवानों पर बहुत सारे हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त अहबाब थे जो पूछ रहे थे कि क्या प्रोसेस होता है न्यूज़ चैनल का इसी तरह से, तो हम इनका ये भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल्स किए हैं, कैसी जद्दोजहद उनकी रही है इस मैदान में, इस शोबे में, और क्या दुश्वारी आती है। और अभी फिलहाल जनाब अंसारी रियाजुर रहमान साहब, उन्हीं से हमें एक तालीम रोजगार सेहत का प्लेटफॉर्म भी मिला है। पहले वो चलाते थे अच्छे से, वो बाद में उनके बहुत सारे दीगर भी है जैसे कि अखबार, जैसे कि सदाए मिल्लत एक्सप्रेस वीकली और उर्दू रोजनामा, उर्दू अखबार वीकली, हाँ उर्दू वीकली, इस तरह से भी वो चलाते हैं। और SDM हाल ही में उन्होंने एक चैनल शुरू किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके पब्लिक तक। तो आइए हम तारुफ करवाते हैं आपका मोहम्मद रियाजुर रहमान साहब से उनकी जुबानी के, आप कैसे कर रहे हैं, आपका क्या क्या है, वो सारी चीजें आप एक मरतबा हमारे जो सब्सक्राइबर से उन्हें बताइए। मेरी तमाम कायरीन को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। मोहतरम कायरीन, हमारे अदर साहब काफ़ी सोशलिटी में आगे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक ऐसे नौजवान हैं जो खुद भी आगे बढ़ने का अच्छाई के साथ जज्बा रखते हैं और चाहते हैं कि नौजवानों में भी जो है तो एक आगे बढ़े, अच्छी सोच है, मैं उनको इसके लिए दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी तरह से उनका इसरार था कि शोबे जात अपने मीडिया शोबे के अंदर मुस्लिम नौजवानों को खास करके किस तरह से आगे आना चाहिए और उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं, मैं आपको इस बारे में इंशाल्लाह पूरी मालूम देने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे ऐसे नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान जो सहाफती शोबे में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, एक सोच रखते हैं, तो मैं उनके लिए चंद मालूमात पेश कर रहा हूँ। ऐसे नौजवान जो मुकम्मल तौर से उर्दू ज़बान, मराठी ज़बान, हिंदी ज़बान और हो सके तो कुछ हद तक इंग्लिश ज़बान पर अबूर रखते हैं, मुकम्मल तौर से कमांड रखते हैं। सबसे पहले सहाफत के लिए जिस ज़बान में हम जाना चाह रहे हैं उस ज़बान पर हमको मुकम्मल तौर पर उबूर यानी कंट्रोल हासिल होना चाहिए। इसी तरह से यानी हमारे अंदर एक बातचीत करने की जो सलाहियत होती है, ऐसा मैं मिसाल देना चाहूँगा कि आप किसी काम के सिलसिले में तहसील ऑफिस में जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ के मुतालिक अफसरान अधिकारी से आपको जिस मौजू पर आप उससे बात कर रहे हैं उस मौजू पर अधिकारी से किस तरह बात करना चाहिए, अपने मसले को किस तरह पेश करना चाहिए और किस तरीके से अपने काम को करवाना चाहिए। ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया, एक मिसाल दिया। इसी तरह से ऐसे नौजवान जो अखबार चलाना चाहते हैं या अखबार की लाइन में आना चाहते हैं, न्यूज़पेपर की लाइन में आना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये मालूमात शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको नेट पर जाके RNI की एक साइट होती है, उस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बैंक अकाउंट, पेन जो तो पेन नंबर, ये तमाम तफसीलात आपको देना होती है। उसके आगे जो है तो RNI के साइट पे एक सवाल होता है कि आप जो अखबार निकालना चाहते हो, जो भी नाम से जो आपके जहन में चल रहे हैं, इस तरह के 5 नाम दीजिए और वो 5 नाम ऐसे होना चाहिए जो महाराष्ट्र में या पूरे देश में उस नाम का मिलता जुलता अखबार नाम वो नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल देना चाहूँगा, हमारे शहर में कई अखबार है, लोकमत है, औरंगाबाद टाइम्स है, एशिया है, अगर किसी साहब ने इस तरह के नाम डाले कि भाई दक्कन एशिया नाम है मिसाल के तौर पर, लेकिन ये नाम आपको नहीं मिल सकता क्योंकि उसके नाम में आगे एशिया आ गया, तो आपको ऐसा नाम सजेस्ट करना पड़ेगा जो पूरे महाराष्ट्र में, खासकर पूरे हिंदुस्तान में भी उस नाम से मिलता जुलता ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको पूरे महाराष्ट्र की तमाम अखबारात की लिस्ट चेक करनी होगी
और अब तो बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है, उसके अंदर आसान आसान क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अगर आपने क्लिक करे कि ये नाम का है कि वो आपको एक उसके अंदर एक नाम आ जाती है। जैसे आपने औरंगाबाद क्लिक करे तो औरंगाबाद से मिलते जाता, जैसे औरंगाबाद की शान, औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद मराठवाड़ा, ऐसे कई नाम आ जाते हैं। पहले दौर पहले 15-20 साल पहले मिलते जुलते नाम दे दी जाया करते थे, लेकिन हुकूमत की भी कुछ मजबूरी है और कुछ लोग जो है तो उस नाम का मिस यूज कर लेते हैं। इसी बात को देखते हुए आरएनआई के जो डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम अब ऐसे नाम देना शुरू करेंगे जो हिंदुस्तान में उस नाम का कोई ना हो, ताकि उससे मिलता जुलता नाम का अखबार, अगर हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में कोई नामचीन अखबार है या मैगजीन है तो उसकी नाम की बदनामी ना हो सके और उसका मिस यूज ना हो सके, यही मकसद है उसकी। तो आप जो 5 नाम डालिए, उसके बाद जो है तो आपका मुकम्मल पता, आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, इस तमाम बातें जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इंटरनेट पे जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म के अंदर बार बार एक क्लिक होता रहता है, बार बार इस ऑप्शन के साथ, एक नंबर पे ये, 2 नंबर पे आपको ये भरना है, 3 नंबर पे आपको ये भरना है, 4 नंबर पे आपको मालूमात देना है, 5 नंबर पे आपको कोई 5 नाम देना तजवीज करना है जो आपके जहन में चल रहे हो। और खास बात याद रखिएगा कि वो नाम ऐसे होना चाहिए जो अखबार के लाइन में वो नाम बिल्कुल नया हो, किसी नाम से मिलता जुलता भी ना हो। ये आपको फॉर्म भर लिया जाता है, उसके बाद उस फॉर्म की प्रिंट निकाली जाती है, वो प्रिंट निकालने के बाद आपको कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, उप विभागीय आयुक्त कार्यालय में जाकर उस फॉर्म के साथ और उसके साथ एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसा आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पासबुक के जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स, राशन कार्ड की जेरोक्स, आप जहां पर रहते हैं वहां का घर का लाइट बिल के जेरोक्स, ये तमाम 6-7 डॉक्यूमेंट्स आपके साथ 5 इसकी फाइल बनाना पड़ती है, 5 शर्ट बनाना पड़ते हैं। लगभग फॉर्म 3-4 पेज का होता है और आपके डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ 6-7 पेज के, इस तरह से 12 पेज का एक शर्ट तैयार हो जाता है। इसी तरह से ये शर्ट मुकम्मल तौर से 5 बनवाना चाहिए। 5 बनवाने के बाद मुतल्लिका ऑफिस यानी कि एसडीएम ऑफिस, जिला कलेक्टर ऑफिस या जहां भी आप रहते हैं ग्रामीण भाग में जहां भी है वहां आपके मुतल्लिका ऑफिस में जाके जमा कराना होता है। जब आप वो फाइल जमा करवाते हो तो उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाता है ऑफिस के जरिए, उसको कहा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आप सहाफती मैदान में, पत्रकारिता यानी मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हो, इतने बड़े मैदान में आ रहे हो, ये देश का चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ के आप एक अजीम शान सिपाही बनने जा रहे हो। और जब आप देखते हैं कि फौज में हम कोई सिपाही अगर बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहरा करता है तो उसे तरक्की दी जाती है, जनरल बना दिया जाता है, डिप्टी कर्नल जनरल बना जाता है, फौज का आला सिपाही सालार भी बना दिया जाता है। कुछ इसी तरह से हमारे मीडिया क्षेत्र में भी है कि जो एक सहाफी या एक अदालत सिपाही बन के आता है लेकिन उसकी कलम की धार, उसकी कलम की अपनी एक लेख, उसकी अपनी दिमाग की अपनी एक सोच, वो एक ऐसा मुकाम बनाने में कामयाब हो जाता है कि जैसा हम देखते हैं कि हमारे भारत रत्न जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी है, मौलाना आजाद है और उससे कई मशहूर शख्सियत है जो हमारे देश की नामी ग्रामी शख्सियत है, लगभग ये तरक्की करते 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 समाजी खिदमत करते करते अपने कलम के जरिए ये उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो इतने बड़े मुकाम तक आप जा रहे हो, इतने बड़े मैदान में आप आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप जब आ रहे हो तो लाजमी तौर से आपका कैरेक्टर भी पूछा जाता है कि कहीं आप इससे कबल किसी जुराम में मुलविस तो नहीं हो, कोई ऐसा मारपीट हो, गुंडागर्दी हो या कोई तरह के छोटे मोटे केस हो या किसी भी तरह की नौइयत की हो, कोई भी तरह की नौइयती पोस्ट आपके पर दर्ज नहीं होना चाहिए, कोई तरह की एफआईआर आपके नाम से नहीं फटनी चाहिए, ये इसका होता है। आपको लेटर दिया जाता है और आप जो महल्ले में रहते हैं, जैसा मैं जैसे तो रोशन गेट में रहता हूँ, जब मैंने शुरू किया था एक प्रोसेस तो मुझे एजेंसी में जाना पड़ा, पहले तो सीपी ऑफिस में जाना पड़ता, वहां पर लेटर लेकर साहब मैं अखबार निकालना चाह रहा हूँ या मैगजीन निकालना चाह रहा हूँ और मुझे कलेक्टर ऑफिस से लेटर दिया गया है कि आप अपना कैरेक्टर पेश कीजिए, कैरेक्टर के बारे में जानकारी दीजिए कि कहीं आप कोई मुजरिम तो नहीं है या कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड में आप कार्रवाई में मुलविस तो नहीं है। सीपी ऑफिस में जाने के बाद वो आपका लेटर ले लेते हैं और वहां का मुतल्लिका अफसर आपसे कहता है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा हम रोशन गेट में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक हफ्ते के बाद आपको जिंसी पोजिशन जाइए, वहां पर आपका लेटर आ जाएगा। फिर चंद दिन के बाद हम जिंसी में जाते हैं,
जिनसी में जो है तो पीआई साहब जो है तो वहां पर पेशी होती है, फिर हमारे नाम का जो है तो आप तो बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपका अंगूठा लगा दिए तो आपको पता चल जाता है, बायोमेट्रिक मशीन बता देता है कि आपको पूरा डाटा यानी जनरल कुंडली आ जाती है, सिर्फ अंगूठा लगा दिए, यह है हमारे टेक्नोलॉजी का कमाल। इसी तरह से महकमे पुलिस के अंदर भी है तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसा उन्होंने तैयार किया है कि आपके चेहरे के अगर फोटो ले लेते हैं तो पता देता है कि आप महाराष्ट्र में कहां कहां आपने अगर आप मुजरिम थे या किया है कोई जुर्म तो आपको बर्थ कार्ड आ जाता है फोटो के साथ कि आपका नाम ये है और आपने फला फला जुर्म किया है। अगर आप नहीं है तो आप वो पूरे महाराष्ट्र के जो भी पुलिस विभाग है, पुलिस चौकी है, जो भी उनका तरीकेकार है, पूरे वो चीज आजमाने के बाद, उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद जब आपका नाम और आपके फोटो के साथ कोई रिकॉर्ड उनके इस पे नहीं आता है तो जब जाके तय होता है कि भाई आप जो है तो एक साफ सुथरी शख्सियत है, आप जो है तो आप एक अच्छी एक अच्छे के इंसान है, एक अच्छे नागरिक है। अजान के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, तो अब अजान के बाद हम शुरू करते हैं। और अभी तक हमने देखा है कि आपने नाम रजिस्टर नाम के लिए आपने 5 नामों का सिलेक्शन किया है, फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया है, और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर तो फाइल जो है तो कलेक्टर ऑफिस या तहसील से वहां पर जाकर जो प्रोसेस रहेगा वहां पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां पर हम चल रहे थे जी। तो उसके बाद अब मैं गुजारिश करूंगा अंसारी रियाजुर रहमान साहब से कि वो कंटिन्यू करें। फिर आपको मुतालका प्रोडक्शन में जाना होता है, फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया के बाद लेने के बाद आपको सीपी ऑफिस में जाना पड़ता है। सीपी ऑफिस में भी उसकी एक तरह की नोंद होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद सीपी ऑफिस से आपको बाकायदा एक लेटर जारी होता है आपके नाम से कि भाई ये शख्स फला जगह रहता है, इसका एड्रेस सही है, इसका नाम सही है और ये किसी तरह के जुर्म में मुलविस नहीं है, ये एक साफ सुथरा शख्स है, एक अच्छा नागरिक। वो लेटर विभागीय आयुक्त यानी जहां पर हम फाइल दाखिल करें कलेक्टर ऑफिस के अंदर वहां पर हमारा लेटर जाता है। उसके बाद जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था आरएनआई दिल्ली के ऑफिस के ऊपर कि हमको अखबार चलाना है उर्दू में, मराठी में, हिंदी में, जो भी भाषा में आप निकालना चाहते हो या आप मैगजीन निकालना चाहते हो, फिर वो फाइल आपकी दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। जब रवाना हो जाती है तो वहां से ठीक 40 दिन बाद या मिनिमम मैक्सिमम 2 महीने के बाद जो है तो आपको जो है तो आपने जो 5 नाम दिए थे उसमें से कोई एक नाम आपका मंजूर हो जाता है अखबार के लिए, फिर वहां से आप जो है तो उसको टीसी नंबर कहा जाता है, एक टीसी नंबर का रजिस्ट्रेशन आपको मुहैया होता है, सर्टिफिकेट आता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो एक तरह का परमिशन लेटर मिलने के बाद यानी कि 2 महीने के अंदर आपको जो है तो आपने अगर अखबार का रजिस्ट्रेशन किया है या मैगजीन का किया है या 15 रोजा अखबार का किया है, जो भी किया है वो अखबार आपको निकालना होता है, और वो निकालने के बाद उसकी 2 कॉपी जो है तो आपको कलेक्टर ऑफिस में जमा करानी होती है और दिल्ली को भी रवाना करना पड़ता है। जब रवाना कर देते हैं आप तो वहां से 3 महीने के बाद आपको एक आरएनआई सर्टिफिकेट वहां से भारत सरकार की जानिब से इश्यू होता है, जारी होता है। जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप उस वक्त एक मुकम्मल तौर से एक अखबार या मैगजीन के एडिटर मुदीर आला माने जाते हैं या तस्दीक हो जाते हैं। तो उसके बाद अखबार आपको जैसा आम अखबार चलते हैं उस तरह से आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है, अपने खारिज के तादाद को बढ़ाना पड़ता है और मुतालिका सरकारी महकमे के अंदर के अखबार को डालना पड़ता है, और जो इस तरह छोटी मोटी लीडरशिप है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे आपको ताल्लुकात बढ़ाने होते हैं, और इसी तरह से मामले में धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे नौजवान जो बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि भाई हमको एक रोजगार मिले और जिनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ऐसे नौजवान में मैं देख रहा हूं, ऐसे बहुत कसीर तादाद में हैं जो तालीम याफ्ता है लेकिन वो अपनी रोजी रोजगार के साथ कुछ समाज का दर्द भी रखते हैं कि हमारे समाज में कुछ तब्दीली आए, देश का दर्द भी रखते हैं कि हमारे देश में तब्दीली आए, हमारे समाज से, हमारे देश से जो है तो बुराई का, जराइम का खात्मा हो, ये जज्बे के साथ चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बेरोजगार नौजवान जो रोजगार की तलाश में हो और उसके अंदर ये रुझान और ये जज्बा भी परवरिश पा रहा हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं कि रोजगार के साथ मैं समाज के, अपने समाज के लिए और दिगर समाजों के अंदर इत्तेहाद को बढ़ावा देने के लिए
और अपने वतन के लिए, वतन की शोहरत को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूँ। ऐसे नौजवान ला तादाद में, मैं ऐसे नौजवानों को, जज्बे को, उनकी सोच को सलाम करता हूँ और उनके लिए मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे नौजवान जो कहीं उनके जहन में ऐसा भी आता है जो साहिब इस्तेदाद है कि भाई हम कुछ रिश्वत देके कहीं नौकरी वगैरह कर लेंगे, तो ये तो गलत बात है। अब तो रिश्वत देने का जमाना भी नहीं रहा और अब वो काम हो भी नहीं रहे। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत कम सरमाए के अंदर आप सहाफती मैदान में आ सकते। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि यानी एक अखबार के रजिस्ट्रेशन से लेके तो शुरू करने तक आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 या बहुत होगा तो 25,000 का खर्च आता है, इसके ऊपर नहीं आता। लेकिन शर्त है कि आपको जिस मैदान में आप आ रहे हो इसका आपको मुकम्मल तौर से वाकफियत और साथ में थोड़ा सा तजुर्बा भी हासिल हो कि भाई अखबार हम तो निकाल रहे हैं, अखबार का पहला सफर किस तरह से तरतीब देना चाहिए, अंदरूनी पेज पे किस तरह से न्यूज आती है, किस तरह से आर्टिकल आते हैं, लास्ट पेज पे किस तरह से खबरें को शाये करना पड़ता है, ये इसका एक तजुर्बा, ये आपको आना बहुत लाजिम है, वरना इसके बगैर आप अधूरे हैं, आप अखबार नहीं निकल पाओगे। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि जिसके दिमाग में ये सोच पर प्रवेश हो रही हो कि मैं सहाफत के जरिए या अखबार के जरिए, कोई महाना मैगजीन के जरिए मैं इसके साथ रोजगार भी पा सकूंगा और अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरूंगा और मैं कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता हूँ, मैं उनके लिए खास तौर से ये बात को कोट कर रहा हूँ कि मेरे ऐसे तमाम नौजवानों से ये दरख्वास्त है। और मैं इसके साथ एक मजीद आपको मालूम शेयर कर दूँ, आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं मालूम उनके लिए शेयर कर रहा हूँ खासतौर से कि मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी जो चलाई जाती है भारत सरकार की जानिब से, इसी तरह से महाराष्ट्र में यशवंतराव चौहान एक ओपन यूनिवर्सिटी चलाई जाती है जिसमें हिंदी, उर्दू और भी तरह के कई कोर्सेज चलाए जाते हैं। इसके अंदर 1 साल और 2 साल डिप्लोमा का कोर्स चलाया जाता है। अगर ऐसे नौजवान, और वो बहुत आसान कोर्स है, आप अपने दिगर कारोबार को जारी रखते हुए वो कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपने मुकम्मल तौर से उसमें दिलचस्पी लेके अगर उसको पढ़ा है या एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छे इसके आपके रिजल्ट आएंगे। और मैं समझता हूँ कि सहाफती मैदान में आपके अंदर जो कमियां हैं, जो नॉलेज की कमी है, वो कहीं ना कहीं पूरी होते हुए नजर आएंगे। वो कोर्स कर लीजिए आप, उसके अंदर यही बातें सिखाई जाती है, यही बातों का मुताला कराया जाता है, यही नॉलेज का इल्म भी दिया जाता है कि सहाफती मैदान किसे कहते हैं, सहाफी के काम काज किस तरह से होते हैं और सहाफी के अंदर किन किन खूबियों का, सलाहियतों का होना ज़रूरी है, और हम जिस और जो जो अपने सरकारी शोबे जात में हैं काम किस तरह किए जाते हैं, गवर्नमेंट से जो हम तरह के सहाफी का जो आदान प्रदान होता है वो किस तरह से होता है, समाज के अंदर हम जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ अतराफ में जो है तो हम बुराई का खात्मा किस तरह कर सकते हैं, खबरें किस तरह से बनती हैं, खबरें को किस तरह बनाया जाता है, और ऐसी खबरें जो समाज के हित में हो और गवर्नमेंट तक पहुंचाना लाजिम हो, उस खबरों का अहाता किस तरह किया जाता है, उस और किस तरह से समाज में रास्तों पर घूमकर वो हम खबरें तैयार कर सकते हैं, ये बातें उसके अंदर बताई जाती हैं। अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स कर लेते हो तो ये बहुत बढ़िया है, और वो कोर्स वही बहुत आसान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो यानी वो भी करीब करीब 15 से 20 हज़ार के अंदर हो जाता है, कुछ फीस वगैरह रहती है, डीडी 5-6 हज़ार रुपया कुछ बढ़ा है, सरकार ने उसकी बढ़ाई है कीमतें, उसकी फीस में इजाफा किया है, और उसमें कुछ आपको रजिस्टर वगैरह है, जो भी आपकी डिक्शनरी है वगैरह है, सब कुछ मिला के 15 से 20 हज़ार में कोर्स कम्प्लीट हो जाता है। तो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये ये जर्नलिज्म कोर्स के, और लगभग जो आपने अखबार या मैगजीन के लिए ट्राई किया है फॉर्म भरने से लेके तो रजिस्ट्रेशन आने तक और पहला अंक निकालने तक, इसके अंदर भी मान लीजिए आप 20 से 25 हज़ार, यानी मजमुई आंकड़ा लीजिए निकल के आ रहा है, 50,000 में जो है तो एक सहाफती मैदान में आप कदम रख सकते हैं और अपने कारोबार को आप बढ़ावा दे सकते हैं जी। आप जो है तो ये ना समझे कि भाई बहुत हार्ड काम है या इसमें कैसे बढ़ेंगे, ये एक एहसास है जो कमतरी है। मैं नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि वो अपने एहसास से कमतरी के दायरे से बाहर निकले।
ये मीडिया पत्रकारिता क्षेत्र हमारे भारत देश का चौथा स्तंभ है, और ये ऐसा स्तंभ है कि जिसके ये चार स्तंभ है हमारे देश में, इसका ये चौथा स्तंभ है। जिस तरह से एक इमारत चार सुतूनों पर यानी चार स्तंभ पे खड़ी होती है, अगर एक भी स्तंभ हटा दिया जाए तो इमारत बैठ जाती है, कुछ इसी तरह का हाल हमारे देश का भी है। जिस तरह से चार स्तंभ में से ये एक स्तंभ है, अगर ये से एक स्तंभ में लड़खड़ा जाए या गिरा दिया जाए या गिर जाए तो सोचिए देश का हाल क्या होगा। तो भारत सरकार भी राज्य सरकारें भी निरंतर लगातार कोशिश कर रही है कि मीडिया को किस तरह से रोज बर रोज ताकत दी जाए, मीडिया क्षेत्र में काम करने वालों को जो साफी लोग हैं, हमारे साफी हजरात हैं, उनकी किस तरह से आर्थिक मदद की जाए, किस तरह से नई नई योजना लाकर जो है तो उन्हें मुस्तहकम स्ट्रांगली बनाया जाए, ताकि चौथे स्तंभ की ये सिपाही समाज के हित में भी काम कर सके, देश के हित में भी काम कर सके और अपने आप में सक्षम बन सके। इसके लिए भारत सरकार ने और भारत सरकार ने कहीं अमली कदम उठाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये इतना बड़ा समंदर है मेरे नौजवान साथियों कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकिन हम इस समंदर की साफत की जो समंदर है एक बहुत बड़ा, इसकी तह को हम पहुंच नहीं सकते। दुनिया में बहुत कम ही लोग इस तय को छूने में कामयाब हुए हैं या तय को ढूंढने में कामयाब हुए हैं, और इस सहाफती समंदर की गहराई को जांचने में, इसका पता करने में कामयाब हुए हैं, ये बहुत कम लोग, बहुत कम। और आज के जो नए सहाफी हैं ये हैं, तो एक ये महदूद दायरा है। जैसा एक कुआं होता है उसका एक दायरा छोटा होता है, उसके अंदर भी पानी होता है। एक तालाब होता है, तालाब छोटे भी होते हैं, तालाब बड़े भी होते हैं, उसका भी एक दायरा छोटा है, उसके अंदर भी पानी होता है। इस तरह से आखिरी में समंदर की बारी आती है। समंदर तो बहुत वसी होता है, आप समझ जाइएगा समंदर के बारे में क्या कहें, तो अल्फाज ही नहीं हमारे पास, ना उसकी गहराई के बारे में हम ज्यादा कुछ तफसील से बता सकते हैं, ना उसकी चौड़ाई के बारे में बता सकते हैं। लेकिन मफहूम एक समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा मैदान है। जितनी आप इसके अंदर अपनी सलाहियतों में इस्तेमाल करेंगे, सलाहियतों में इजाफा करेंगे, आपकी खुद की रोजगार में भी इजाफा होगा, आपकी शोहरत में भी इजाफा होगा, एक समाज के अंदर बुराई को खात्मे जो करने के लिए भी आपका बड़ा योगदान रहेगा। वक्त पड़े तो देश को बचाने के अंदर जिस तरह से एक पत्रकार काम करता है, पत्रकार की एक सोच काम करती है उसके कलम के जरिए से, उसके अंदर भी आप बहुत बड़ी खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। तो मेरी नौजवान